हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम भारत के विभिन्न पदाधिकारियों अर्थात वर्तमान में कौन क्या है इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं होती जिसके अंदर इस टॉपिक से प्रश्न ना पूछे जाएँ, और निश्चित रूप से आने वाली आपकी भी परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो बिल्कुल अपडेटेड है जो कि आने वाली तमाम परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, और इसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा है ताकि आप जिस भी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो आप उसको पढ़ सकें, राइट? तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, वर्तमान में है रामनाथ कोविंद। इनका आपको क्रम भी याद रखना है, ये हैं 14वें नंबर के। इनसे ठीक पहले 13वें थे प्रणब मुखर्जी। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले कौन थे, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। आई होप फ्रेंड्स आप सभी ने पता होगा। चलिए अगले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको इनका भी क्रम याद रखना है, ये 15वें हैं अगर हम बाई पर्सन काउंट करें। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इनसे पहले ठीक 14वें नंबर के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था मनमोहन सिंह। और अगर सबसे पहले बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, आपको इनको भी याद रखना है। चलिए यहाँ पर अगले हैं उपराष्ट्रपति यानी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, आपको इनका भी क्रम याद रखना है, ये 13वें नंबर के हैं। और इनसे पहले 12 उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो आपको अगर 12वां पूछा जाए तो याद रखिएगा हामिद अंसारी। और अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए सबसे पहले कौन थे, तो याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन सभी बिंदुओं को आप याद रखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल। तो वर्तमान में तुषार मेहता हैं हमारे सॉलिसिटर जनरल, आपको याद रखना है। तो अगर आपको इस तरह का स्टार कहीं पर नज़र आता है तो आप याद रखिएगा कि उन्हें हाल फिलहाल या फिर कुछ एक महीनों के अंदर ही उनको नियुक्त किया गया है। तो इनको याद रखना है आप सभी को। अगले हमारे महान्यायवादी जिन्हें हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, वर्तमान में हैं के वेणुगोपाल। यहाँ पर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, ठीक इनसे पहले जो हमारे महान्यायवादी थे उनका नाम अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है हमारे महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल के अंदर जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं यानी कि महान्यायवादी, इनके बारे में हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 76 में मेंशन है, लेकिन जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं उनके बारे में संविधान के अंदर किसी भी तरह का प्रावधान नहीं है, राइट? फिर भी फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो हमारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये महान्यायवादी के एक तरीके से सहायक के रूप में नियुक्त होते हैं, इतना आपको याद रखना है। और आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे महान्यायवादी होते हैं ये हमारे सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, लेकिन अगर सरकार को कहीं कानूनी रूप से रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए सॉलिसिटर जनरल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको इन दोनों के बीच में इतना छोटा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले हमारे नियंत्रक एवं महालेखा, जिनको हम शॉर्ट में कैग बोलते हैं यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वर्तमान में है हमारे राजीव महर्षि, आपको इनको भी याद रखना है। कई बार फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही क्रिएटिव वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, उसके बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है जस्टिस रंजन गोगोई, आपको इनको याद रखना है। और इनका क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसको याद रखना। ये 46वें नंबर के हैं, और ठीक इनसे पहले 45वें नंबर पर थे दीपक मिश्रा। और अगर आपसे बात करें सबसे पहले तो उनका नाम था HJ कानिया, आपको इन तीनों बिंदुओं को याद रखना है। ये अगले हमारे यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सुनील अरोड़ा, राइट? सुनील अरोड़ा, आपको इनका नाम याद रखना है। फ्रेंड्स आप इनको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अब बहुत ही जल्द चुनाव होने वाले हैं तो अब रास्ते में कोई भी रोड़ा नहीं है, यानी कि चुनाव बस अब हो जाएंगे, राइट? तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। चलिए अगले हैं यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो कि हैं सुधीर भार्गव, इनको भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर तीनों पर स्टार बना हुआ है, तो ये तीनों ही आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपसे कोई भी पोस्ट के बारे में पूछा जाए तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन जो भी स्टार है यहाँ पर इसका मतलब है कि इनको हाल फिलहाल में या फिर कुछ एक महीनों के अंदर इनको नियुक्त किया गया है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है मुख्य हमारे जो सूचना आयुक्त हैं सुधीर भार्गव। देखिए यहाँ पर भी हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी छोटी या बड़ी खबर हो आप तक भाग के पहुँच जाती है, तो भार्गव में देखेंगे आप यहाँ पर भाग लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हो सकता है आपको याद रहे। तो चलिए अगले हैं यहाँ पर मुख्य आर्थिक सलाहकार
यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक यही प्रश्न आपके अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर हम इसको एक छोटी सी ट्रिक से भी देख सकते हैं, यानी कि अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना है तो आपको सुबह सुबह उठकर काम करना होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो वर्तमान में है अजीत डोभाल, अजीत डोभाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटी सी कमाल की ट्रिक है जिससे आप इन्हें याद कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो जो सुरक्षा गार्ड्स होते हैं वो उनके हाथ में आपने कभी ना कभी देखा होगा कि वो भाले लेकर दरवाजों पर खड़े होते हैं, राइट। तो देखिए इनके नाम में आ रहा है डोभाल, यानी कि दो भाल लेकर खड़े होते हैं दोनों तरफ, तो इस तरीके से आपको ये भी याद रहेंगे। चलिए अगले हमारे महिला आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन ऑफ NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस, इनको भी याद रखिएगा, रेखा शर्मा वर्तमान में है हमारे महिला आयोग के अध्यक्ष। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष और लोकसभा के महासचिव, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान में हमारे लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन, आपको फ्रेंड्स पता ही होगा डेफिनेटली इनके बारे में। अगले हमारे लोकसभा के उपाध्यक्ष एम थंबी दुरई, डोंट माइंड फ्रेंड्स, हम आपको इनको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे जिससे आपको ये याद रहेंगे। उसके बाद हमारे लोकसभा के महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, देखिए इनके बारे में एक पॉइंट है आपको याद रखना है कि अब तक ये पहली महिला हैं जो लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। बाकी अब बचते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी कि M. थंबीदुरई, आप इनको ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा लोकसभा यानी कि लोग यानी कि लोगों की सभा, यानी कि जब लोग किसी वीडियो या फिर किसी कंटेंट को लाइक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं थम्स अप। क्या बोलते हैं? थम्स अप। तो इनके नाम में देखिए आ रहा है थम्बी दुरई, तो इस तरीके से थम्ब थम्बी दुरई दोनों एक तरीके से हैं, तो आप इसे मैच कर सकते हैं। और थम्स अप जब आप करते हैं तो आपका थम क्या होता है? ऊपर साइड होता है, तो ये उपाध्यक्ष हैं। इस तरीके से आपको ये याद रहेगा अगर आपसे कोई पूछे लोकसभा के उपाध्यक्ष, तो याद रखिएगा M. थंबीदुरई हमारे वर्तमान में है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा उपाध्यक्ष। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे राज्यसभा के सभापति, इसी क्रम में उपसभापति और विपक्ष के नेता के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो हमारे वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं और ये हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं, इनके बारे में आपको पता ही होगा। अगले हमारे राज्यसभा के सभापति हरिवंश नारायण सिंह, इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे राज्यसभा के विपक्ष के नेता वर्तमान में हैं गुलाम नबी आज़ाद, ये फ्रेंड्स इनके बारे में आपको पता होगा। तो चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे NIA के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA, तो वर्तमान में हमारे NIA के महानिदेशक हैं वाई सी मोदी, इनको भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको NIA के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए, अगर आपसे NIA का फुल फॉर्म पूछे तो याद रखिएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर आपसे बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसे 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। आपको पता होगा सन 2008 में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था, तो उसी के बाद सन 2009 में NIA को इस्टेब्लिश किया गया था। मूल रूप से इसका काम होता है कि देश के अंदर जितने भी आतंकी गतिविधि है उन सभी की देखरेख करना, राइट। चलिए यहाँ पर अगले हमारे इसरो के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ इसरो, जिनका नाम है के सिवान, इनको भी आपको याद रखना है और आपको डेफिनेटली इसरो के बारे में भी पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में जो कि कर्नाटक में है और इसे 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था, इतना आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा DRDO के अध्यक्ष, तो वर्तमान में चेयरमैन ऑफ DRDO हैं जी सतीश रेड्डी, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और तो फ्रेंड्स यहाँ पर डेफिनेटली DRDO का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसे 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे SEBI के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ SEBI, जो कि हैं वर्तमान में अजय त्यागी, इनको आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको SEBI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसे 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि SEBI एक ऐसी संस्था है जो कि स्टॉक निवेशकों को संरक्षण देना और भारत में प्रतिभूति बाजार म्यूचुअल फंड्स को संचालन करना मूल रूप से SEBI का काम है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हमारे नेक्स्ट हैं SBI के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ SBI, तो वर्तमान में है रजनीश कुमार, इनको आप याद रखिएगा।
आपको बता दूं कि SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। फ्रेंड्स, अगर आपको पता है कि SBI की स्थापना कब की गई थी तो आप अभी वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। अगर आपको पता है फ्रेंड्स तो आप जाकर जरूर जवाब दें। चलिए अगले हैं यहाँ पर हमारे RBI के गवर्नर। वर्तमान में हमारे RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास फ्रेंड्स, डेफिनेटली यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले हमारे नौसेना के अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और हम इसी क्रम में थल सेना के अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वायु सेना अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ के बारे में देखेंगे। एक साथ तीनों को देखेंगे और इनको याद करने की हम ट्रिक भी आपको बताएंगे जिससे आपको ये याद रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सबसे पहले हैं नौसेना के अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वर्तमान में है एडमिरल सुनील लांबा। एडमिरल सुनील लांबा फ्रेंड्स, जैसा कि आप इनके नाम में देख रहे हैं लिखा है सुनील लांबा। तो सुनील लांबा में देखिए एक शब्द आ रहा है नील, तो आपको आपको पता होगा कि नील नदी सबसे लंबी नदी है और जो कि पानी से संबंधित है, राइट। और ये नौसेना के अध्यक्ष हैं। आपको पता होगा कि नौसेना यानी कि जो हमारी नेवी होती है, एक तरीके से उनका काम पानी से संबंधित होता है, तो इस तरीके से नौसेना यानी कि पानी से संबंधित है, उसी तरीके से सुनील लांबा यानी कि नील नदी पानी से संबंधित है, या फिर कोई भी नदी हो वो पानी से संबंधित है, राइट। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे थल सेना के अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वर्तमान में है जनरल बिपिन रावत। आप इनको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इनको याद करने की ट्रिक है कि अगर हम आपको एक छोटी सी पिन दें और हम आपसे कहें कि आप इसे हवा में, पानी में या फिर ज़मीन में कहीं पर भी पिन कर दीजिए, तो क्या आप उसे हवा में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या आप उसे पानी में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप उसे ज़मीन में कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे थलसेना के अध्यक्ष हो जाते हैं जनरल बिपिन रावत। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे वायुसेना के अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो वर्तमान में है एयर चीफ मार्शल BS धनोवा। एयर चीफ मार्शल BS धनोवा फ्रेंड, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके नाम में ही धनोवा शब्द आ रहा है जिसका अर्थ होता है मनी यानी कि धन। यानी कि अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा धन होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए वायु सेना के अध्यक्ष, तो आपको ऑब्वियसली दिमाग में आना चाहिए कि अगर बहुत ही आप रिच पर्सन हैं तभी आप हवाई यात्रा कर सकते हैं, यानी कि वायु सेना के अध्यक्ष हमारे एयर चीफ मार्शल BS धनोवा। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर हमारे अगले हैं BARC यानी कि बार्क के अध्यक्ष, तो वर्तमान में चेयरमैन ऑफ बार्क हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। कमलेश नीलकंठ व्यास, इनको आपको याद रखना है। अगले हैं यहाँ पर हमारे प्रसार भारती के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती, वर्तमान में है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। आपको इनको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हम इनको भी बड़ी आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसा कि आप इनके नाम में ही देख सकते हैं लिखा है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश यानी कि जो सन का लाइट होता है वो प्रसार के माध्यम से हम तक पहुंचता है, राइट। तो प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, इस तरीके से आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे सिडबी के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ सिडबी, वर्तमान में है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा, यहाँ पर आपको सिडबी के बारे में पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर और कब इसे स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो एक तरीके से लघु उद्योग जितने भी होते हैं उन सभी को ऋण देने का काम करता है। आपको बता दूँ इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में और इसे 2 अप्रैल 1990 को स्थापित किया गया था। इतना आपको याद रखना है सिडबी के बारे में। चलिए अब हमारे यहाँ पर नेक्स्ट हैं वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी, और अगले हमारे राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी। इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, तो आप इनको बड़ी आसानी से देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर हैं वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी, वर्तमान में है अजय नारायण झा, जिनको हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टार बना हुआ है, तो इनको याद रखना है। अगले हैं इसके बाद हमारे राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी, वर्तमान में है अजय भूषण पांडे, तो इनको भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है वित्त सचिव और राजस्व सचिव, राइट। तो वित्त छोटा शब्द है, तो उसी तरीके से इनके नाम अजय नारायण झा में लिखा है, लास्ट का शब्द है झा जो कि छोटा है, इस तरीके से वित्त छोटा है और झा भी छोटा है, तो आप इन दोनों को मैच कर सकते हैं। और दूसरे हमारे राजस्व सचिव, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राजस्व थोड़ा सा बड़ा है वित्त से, तो इसी वजह से देखिए इनके नाम में भी अजय भूषण पांडे, पांडे बड़ा है झा से, तो इस तरीके से दोनों बड़े यानी कि राजस्व और पांडे को मैच कर सकते हैं, तो ये बड़ी आसानी से आपको याद रहेगा। आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, वर्तमान में है विनोद कुमार यादव। ये भी आपको याद रखने हैं क्योंकि इनको भी हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया है। तो चलिए यहाँ पर आपको नीति आयोग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है। सबसे पहले नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और नीति आयोग के CEO,
इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान में हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दूं कि हमेशा से ही नीति आयोग के जो भी अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, राइट। अगले हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो वर्तमान में है डॉक्टर राजीव कुमार। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो याद रखिएगा अमिताभ कांत हमारे वर्तमान में है सीईओ नीति आयोग के। ओके, तो फ्रेंड्स आप इन तीनों बिंदुओं को याद रखें। चलिए चलिए अगले हैं यहाँ पर हमारे ट्राई के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ ट्राई, वर्तमान में है आर एस शर्मा। इनको आपको याद रखना है, आर एस शर्मा ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ट्राई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, इतना आपको पता होना चाहिए। अगले हमारे सीबीआई के निदेशक तो वर्तमान में डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैं ऋषि कुमार शुक्ला, जिनको हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया है। तो इनको भी आपको याद रखना है, सीबीआई के वर्तमान में हमारे निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि सीबीआई एक तरीके से भारत में जितने भी भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे होते हैं या फिर किसी तरीके से मान लीजिए आर्थिक मामलों में हेरा फेरी हुई है, तो उन सभी की निगरानी करने के लिए सीबीआई का गठन किया गया था। फ्रेंड्स आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले हमारे यूपीएससी के अध्यक्ष तो वर्तमान में चेयरमैन ऑफ यूपीएससी हैं अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना यहाँ पर आपको इनको भी याद रखना है। तो यहाँ पर हमारे अगले हैं आईटीबीपी के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी, वर्तमान में है एसएस देसवाल, जिनको हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया है। तो आप इनको भी याद रखें। फ्रेंड्स इस वीडियो का हर एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर हमारे अगले हैं एसएसबी के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, तो वर्तमान में है कुमार राजेश चंद्र। कुमार राजेश चंद्र वर्तमान में है एसएसबी के महानिदेशक, इनको भी आप याद रखें। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपसे एसएसबी का फुल फॉर्म पूछे तो आप याद रखिएगा सशस्त्र सीमा बल। ओके अगले, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हैं यहाँ पर हमारे आईबी के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ आईबी, वर्तमान में है राजीव जैन। अगर आपसे आईबी का फुल फॉर्म पूछे तो आप याद रखिएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि भारत के खुफिया विभाग के रूप में काम करता है। इसे 1887 में स्थापित किया गया था, आपको इतना याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारे अगले हैं FTII के अध्यक्ष, वर्तमान में है बिजेंद्र पाल सिंह। इसके अध्यक्ष हैं, आपको इनको याद रखना है। यहाँ पर आपको FTII के बारे में पता होना चाहिए, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। आपको बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर है पुणे यानी कि महाराष्ट्र में। और अगर आपसे FTII का फुल फॉर्म पूछे तो आप याद रखिएगा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारे NHRC के अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में एच एल दत्तू। फ्रेंड्स अगर आपसे NHRC का फुल फॉर्म पूछे तो आप याद रखिएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगले हैं यहाँ पर हमारे विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी, वर्तमान में है विजय केशव गोखले। आप इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं विदेश में भी पहले आ रहा वी, राइट, उसी तरीके से इनके नाम में विजय में भी वी शब्द आया है, तो इस तरीके से आप इनको रिलेट करके याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, इस वीडियो का हर एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंत में मैं आपसे दो प्रश्न पूछूंगा, जिसका जवाब आप तभी दे सकते हैं जब आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो वर्तमान में हमारे चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन है YB रेड्डी। YB रेड्डी आपको फ्रेंड्स इनके बारे में पता भी होगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे उनका नाम है एन के सिंह। और आपको बता दूं इनका कार्यकाल सन 2020 से शुरू होगा। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो आप याद रखें अशोक कुमार माथुर, राइट, यानी कि चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन हमारे वर्तमान में कौन है, अशोक कुमार माथुर। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम इस टॉपिक के लिए कितने प्रिपेयर हैं, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C या फिर D, इनमें से एक ऐसा कोई ऑप्शन है जो कि सही से सुमेलित नहीं है, उसी को आपको फाइंड आउट करना है, राइट। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, राजस्व सचिव वर्तमान में अजय भूषण पांडे, ऑब्वियसली करेक्ट है फ्रेंड्स, हमने आपको ट्रिक से भी बताया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुधीर भार्गव, जो कि पूरी तरीके से गलत है। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में है हमारे अजीत डोभाल, हमने आपको ट्रिक से भी याद कराया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि क्वेश्चन का पैटर्न है उस क्रम में अगर हम चले तो हमें हमारा राइट आंसर मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी को भी, ताकि हमें अच्छे से याद रहे। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल अभी अभी हमने आपको बताया था, बिल्कुल करेक्ट है। अगले हमारे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, इनके बारे में भी आपको पता ही होगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यही सही से सुमेलित नहीं है, बाकी सब करेक्ट है, राइट। तो इस तरीके से हमने सही आंसर फाइंड आउट कर लिया।
तो फ्रेंड्स फाइनली अब आती है आपकी बारी। यहां पर आपको देने हैं दो सवालों के जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और इनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो डेफिनेटली आपके ये दोनों प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो यहां पर आपके लिए सवाल है, वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक कौन है। यहां पर आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। आपका जो भी करेक्ट आंसर हो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहां पर आपके लिए दूसरा सवाल है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप इसे आसानी से पढ़ेंगे तो इसका जवाब भी आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो यहां पर हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही है। ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, यहां पर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप जिस भी लैंग्वेज से हो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे सकें। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, जो भी आपको करेक्ट लगे यहां पर आपको इसको मैच करना है, तभी आप इसका जवाब दे सकते हैं। और इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप कॉमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दें। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी ने इस वीडियो को डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपका कोई सवाल या फिर कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसे ही क्रिएटिव एजुकेशनल वीडियोस के लिए YT स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए उस बेल आइकन को दबाएं। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं जल्द मिलता हूँ एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।